हेलो वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी आई क्यू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो so, कैसे हैं सब लोग उम्मीद करता हूँ कि मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी को क्लियरली सुनाई दे रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बहुत प्यारा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं राइट right? तो घर बैठ के यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी करना एक आसान काम नहीं है इस काम के लिए हमें चाहिए होता है साहस एंड दैट इज वॉट दिस सीरीज स्टैंड फॉर सिट एट होम एंड स्टडी आई क्यू ठीक है तो साहस सीरीज में हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज के पिछले लेक्चर्स को भी देख लिया है बेसिकली नौ लेक्चर्स को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है जहाँ पर हमने 1707 के बाद से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को देखा किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन होता है किस तरीके से लेटर मुगल्स इतने अच्छे से सेंट्रल अथॉरिटी को बनाकर रख नहीं पा रहे और कैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं अपनी इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे आज के इस सेशन में जहां पर हम बात करेंगे माइसोर केरला और राजपूत राज्यों की राइट right, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को एंड थैंक यू ऑल फॉर कंफर्मिंग दैट द ऑडियो वीडियो इज एप्सल्यूटली क्लियर एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ठीक है तो शुरू करते हैं लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर देता हूं कि यहां पे बेसिकली जो हमारा सेकंड चैप्टर है इस चैप्टर को अक्सर हम अपनी तैयारी में इग्नोर कर देते हैं इसका सिंपल सा लॉजिक है कि मॉडर्न हिस्ट्री से काफी पहले ये दौर शुरू हो जाता है और मिडिवल हिस्ट्री के टुवर्ड्स द एंड आता है तो अक्सर इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं या कवर नहीं करते लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है जाहिर सी बात है कि इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम तीन अलग अलग तरह के किंगडम्स और स्टेट्स को देख रहे हैं जो इमर्ज हो रहे हैं जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है ये तीन स्टेट्स कौन से हैं? सक्सेस स्टेट्स रिबेल स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हमने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को अब शुरू किया है जिसमें कि हम मैसूर, केरला एंड राजपूत इनको कवर करने जा रहे हैं ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सजेशन और एक रिमाइंडर कि ये लेक्चर्स का पीडीएफ एक काफी वैल्यू एडिशन मटेरियल है और अगर आप इन पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर मेरे साथ जुड़ें ये क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो बेसिकली यू विल बी एबल टू रीच मी ऑन द टेलीग्राम चैनल और इस क्यूआर कोड की मदद से आप कहां पहुंच जाएंगे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हैविंग दैट लेट अस स्टार्ट और समझते हैं कि आज हमने इस टॉपिक को कवर करते समय कौन से कौन से डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना है और कौन सी डायमेंशन को हमने बेसिकली अनफॉल करते हुए समझना है ठीक है क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई टॉपिक जो हिस्ट्री खासकर है हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टॉपिक हमें कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन अगर उस टॉपिक को हम ब्रेक डाउन कर लें ब्रेक डाउन करने के बाद हर एक पार्ट को फोकस करेंगे तो उसको कवर करना काफी आसान होता है ये वही अप्रोच है जो मैं पी में भी इस्तेमाल करता हूँ ठीक है और काफी उसकी प्रशंसा भी की जा रही है वो सराहा भी जा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए और जो लोग पीटूवाई का पार्ट बनना चाहते हैं जल्दी एनरोल उसमें कर लीजिए क्योंकि ट्वेंटी जुलाई को हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं शाम छह बजे के ठीक है तो हमने माइसोर के बारे में पढ़ेंगे तो मैसोर साम्राज्य की इतिहास के बारे में क्योंकि जब ब्रिटिश तो इंडिया को एनेक्स कर रहे थे तो साउथ इंडिया उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या कोई कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि वो इंपॉर्टेंट क्यों था वाई वॉज साउथ इंडिया मोर इंपॉर्टेंट टू ब्रिटिश एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा साउथ में एक कोस्ट लाइन चलती है वो कोस्ट लाइन ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी अगर वो भारत और यूरोप का ट्रेड बनाए रखना चाहते थे उस कोस्ट लाइन को कंट्रोल करके ये काफी ज्यादा अपने कैपिटलिस्ट गेन्स को अटेन कर सकते थे ठीक है जी तो यहां पर इस वजह से मैसूर इंपॉर्टेंट राज्य है और मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर्स भी हुई उन वॉर्स को अगर सही से समझना है तो मैसूर की थोड़ी सी हिस्ट्री आज हम देखेंगे किस प्रकार से विजयनगर एम्पायर के बाद क्या परिस्थितियां बनी जिसमें मैसूर साम्राज्य इमर्ज होता है और वुडियार डायनेस्टी इसमें शासन करना शुरू कर देती है ठीक है बिल्कुल सही बताया रक्षा सिंह ने सही बताया ठीक है इवन पायल भी सही बता रही है रिसोर्सेज रिसोर्सेज एंड ट्रेड ठीक है सी पोर्ट्स अमन चंद्र ठीक है आप भी सही बता रहे हो राइट तो यहां पर विजयनगर के बाद किस प्रकार से वुडियार डायनेस्टी इमर्ज होती है हम वो देखेंगे वुडियार डायनेस्टी किन कारणों की वजह से और किन परिस्थितियों की वजह से वो वीक होना शुरू कर देती है जिससे कि हैदर अली को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो मैसूर के राजा बन सके ठीक है तो हम राइज ऑफ हैदर अली को समझेंगे हैदर अली अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हैं काफी अच्छी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है और संघर्ष करते करते सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय पर इनका देहांत हो जाता है

ठीक है लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल्स के साथ इनके क्या संबंध रहा करते थे जब हम हम हिस्ट्री करते हैं तो हम पढ़ते हैं तो तो पढ़ते कि कि अकबर ने तो राजपूत पॉलिसी ऐसी फॉलो की थी कि उन्होंने को किया था अकबर या कोई भी राजा जो ग्रेट कहलाया जाता है उसको यह समझ आ गई थी कि अगर भारत पर राज करना है भारत पर अच्छी ग्रिप बनाकर रखनी है तो यहां रहने वाले लोगों के साथ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के साथ हमें बनाकर रखनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा राइट तो वहां से मुगल्स और राजपूत के अच्छे संबंध थे लेकिन ये संबंध औरंगजेब के समय पर काफी खराब हो जाते हैं किन कारणों की वजह से वो होते हैं खराब उसके बाद एंटी मुगल लीग क्यों बनाई जाती है और ये स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरचून अलूफनेस और एडियरेंस इसकी क्या जरूरत पड़ गई इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में ये सेकंड चैप्टर क्योंकि अब कंक्लूड होने जा रहा है इसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि इन इंडिपेंडेंट किंगडम्स की मेजर लिमिटेशंस क्या रह गई जिनकी वजह से अंग्रेजों को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू एनेक्स इंडिया और सब्सिक्वेंट सीरीज में सबसेक्वेंट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश दे मेड देर एडवेंट ठीक है यूरोपियंस पहले आए उसके बाद ब्रिटिश सुपर पावर कैसे बन गई इंडिया के अंदर तो चलो स्टार्ट करते हैं अब देखो दोस्तों अगर मैसूर की मैं बात करूं आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए कि मैसूर बेसिकली कहां पर है ठीक है आज की डेट में तो आपको पता होगा लेकिन ये सेम नक्शा नहीं था कई सौ साल पहले ठीक है में ये सेम नक्शा नहीं हुआ करता था मैसूर बेसिकली एक रफ रीजन आप समझ सकते हैं ये एग्जिस्ट करता था जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कन्वर्ज करते हैं यानी कि आज के समय के कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स भी मैसूर साम्राज्य का हिस्सा बनते थे इस साम्राज्य का बेसिकली कहां से हुआ विजयनगर एम्पायर से ठीक ठीक है 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 जब विजनगर एक्जिस्ट किया करता था, था, तब वहां पर मैसूर इस विजनगर का एक प्रोविंस होता था. प्रोविंस होता को वाइस रॉयल्टी भी कह दिया जाता कई बार, ठेके? दोनों में से कोई भी टर्म यूज हो आपने कंफ्यूज नहीं होना बैटल ऑफ कौनसी लिकोटा तलिकोट या तलिकोटा की लड़ाई जो 1565 में हुई उसने विजयनगर एम्पायर को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया हम सब जानते हैं कि दक्षिणी सल्तनत बीजापुर गोलकंडा विजयनगर एम्पायर के साथ बैटल फाइट की इस बैटल में विजयनगर हार गया इनकी कैपिटल हम्पी को लूट लिया गया और कॉन्सिक्वेंटली विजयनगर में एक सेंट्रल अथॉरिटी काफी ज्यादा वीक हो गई और सब्सिक्वेंट सल्तनत यहां पर बननी शुरू हो जाती है इसी में जो वाइस रॉयस होते थे या जो गवर्नर्स होते थे विजयनगर एम्पायर के प्रोविंसेस के उनमें से कुछ गवर्नर्स या कुछ चीफ्स जो थोड़े से पावरफुल थे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई जिस अपॉर्चुनिटी के चलते जिस अपॉर्चुनिटी के चलते उनको एक मौका मिला कि वो अपनी हरार अपनी हेरिडिटरी किंगडम्स स्टार्ट कर सकें ठीक है तो यहां पे राम रया की लीडरशिप में मिलिट्री कमांडर थे ये ठीक है तो लीडरशिप में के साथ जब लड़ाई हुई ये हार गए विजयनगर डिफीट हो गया लोकल चीफ्स ने इंडिपेंडेंस करनी शुरू कर दी और यहां पर मायसूर में उस वक्त एक वुडियार खानदान को बिलोंग करने वाले एक चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था यदुरया वुडियार इन्होंने इसकी पूरी स्थिति का एडवांटेज लिया एंड कॉन्सिक्वेंटली मायसूर में अपना राज स्थापित कर दिया ठीक है यहां से आप सब समझ सकते हैं कि वुडियार किंग्स कैसे आए ठीक है वुडियार ये डायनेस्टी याद रखना क्योंकि जब हम ठीक है समय का पहिया गोल होता है अभी वुडियार आए वोडियार्स को फिर हैदर अली हरा देंगे और उसके बाद जब ब्रिटिश हैदर अली को हरा देंगे तो मैसूर का साम्राज्य बेसिकली सिंबॉलिकली वो वापस वुडियार्स को दे देंगे क्योंकि अंग्रेजों ने भी एक पॉलिसी फॉलो की थी वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते थे कि देखो हम जो ये लड़ाइयां कर रहे हैं ना ये लड़ाइयां ऐसे नहीं है कि हम एने करना चाहते हैं हम तो भला कर रहे हैं इंडिया का जो डायनेस्टीज को धोखे से हरा दिया गया था हम उन डायनेस्टीज को वापस इंस्टॉल कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कहानी है के पास आ गया। तो यहां से जो माइसोर इंडिपेंडेंट बन रहा है उसमें वुडियार डायनेस्टी की बेसिकली सिग्निफिकेंस यहां से स्टार्ट हो जाती है इसके बाद लेट एटीन सेंचुरी में ठीक है लेट एटीन सेंचुरी में जहां पर

ठीक है मुगल शहनशाह जो है वो सेंट्रल पावर है अब हमें प्रोटेक्टेड रहना है ठीक है इसकी जरूरत क्या पड़ी कोई बता सकता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी होगी कि इनको मैसूर के खानदान को मुगल्स की सुजरेनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है एनी वन एनी गेस ठीक है क्या है दखंड में काफी सारे दूसरे किंगडम्स भी थे कंटिन्यूसली अटैक्स होते थे ठीक है मराठास का भी खतरा रहता था फिर गोलकोंडा बीजापुर इनका भी टाइम टू टाइम खतरा बना रहता था तो इन्होंने कहा कि अगर हम मुगल्स के साथ संधि करके रखेंगे तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और बदले में क्या है अपनी टेरिटरी को उससे कोई खास लेना देना नहीं है ऐसा नहीं है कि मैसूर का जो राजा है या गवर्नर है उसको मुगल सम्राट वो अपॉइंट कर रहा है राइट तो इन्होंने सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया किसने किया चिक्का देवराज वो के समय पर

इंटरनल इंडिपेंडेंस है ठीक है और ये डी फैक्टो रूलर्स इस प्रकार से बन जाते हैं अब जिस सम्राट के साथ ये संधि हुई थी वो सम्राट तो उनका देहांत हो जाता है 1707 में तो इसके बाद क्या होता है आफ्टर 1707 आफ्टर 1707 जब एटीन सेंचुरी बेसिकली स्टार्ट होती है तो वुडियार रूलर्स क्या करते हैं ट्राई टू फर्दर स्ट्रेंथन देअर इंडिपेंडेंस इनको पता लग जाता है कि लेटर मुगल्स जो हैं इनमें कुछ खास दम नहीं है तो पहले जो हमने मुगल्स की एक्सेप्ट करके रखी थी अब शायद उससे भी हमें आजादी मिल सकती है उन्होंने बड़े ही तरीके से रीजनल पॉलिटिक्स को मेनूवर किया और अटोनमी मेंटेन करने की कोशिश की और बड़ी चलाकी से क्या करते थे कि जब इनके लिए कन्वीनियंट होता था मुगल्स को सर्वे सर्वा मानना तब मान लेते थे और जब इनको लगता था कि नहीं अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखनी है तो इंडिपेंडेंस बना के रखे हुए हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है कि यहां पर एक बड़ी गड़बड़ वाली सिचुएशन उत्पन्न होना शुरू हो जाती है जिस प्रकार से मुगल्स का एक तरह से ना औरंगजेब के देहांत के बाद मुगल्स का कंट्रोल ओवरऑल ही पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से कमजोर होना शुरू हो जाता है ठीक है तो यहां पर वुडियार के जो राजा हैं ये भी थोड़े लापरवाह होने स्टार्ट हो जाते हैं जब भी राजा लापरवाह होता है तो क्या होगा बताओ राजा के लापरवाह होने से क्या होता है What happens when राजा बिकम्स लापरवाह नोबल्स और उनके जो मंत्री हैं उनको एक मौका मिलता है अपनी पावर एजर्ट करने का तो यहां पर भी वही हुआ चिक्का देवराज वुडियार के अंडर दो बड़े प्रोमिनेंट ऑफिसर्स थे नंजराज जो सर्वाधिकारी थे थे यानी कि यहां के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ठीक है चीफ मिनिस्टर राजा के चीफ मिनिस्टर थे ये राइट और देवराज ये दुलवई यानी कि मिलिट्री कमांडर थे ये दो लोगों के पास डिफेक्टो अथॉरिटी आनी शुरू हो जाती है और जो राजा है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक राजा बनकर रह जाता है राइट right. पर एक पपेट राजा ये बन गए हैं ठीक है थीके? अब मैसूर के पास कुछ खास बातें हैं जो आप सभी लोगों ने ऑलरेडी बता भी दिया है इनके पास फर्टाइल लैंड्स हैं यानी कि रिसोर्सेज अच्छे हैं इसकी सॉयल जो है वो उस तरह की क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकती हैं जिसकी जरूरत ब्रिटिश को है साउथ में आप जाते हैं ना डेक इंडिया में आपको पता है ब्लैक कॉटन सॉइल है ठीक है तो मैसूर के आसपास के रीजन में उसे कल्टीवेट किया जा सकता है और भी कई तरीके की क्रॉप्स और को कल्टीवेट किया जा सकता है और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं अरेबियन सी की तरफ अब आप मुझे बताओ कि ब्रिटिश के पास एक तरफ वेस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स का एक्सेस है और एक तरफ ईस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स का एक्सेस है ज्यादा मुनाफा उसको कहां पे होगा वेस्ट में या ईस्ट में बताइए ज्यादा मुनाफा किस तरफ होगा ज्यादा मुनाफा होगा वेस्टर्न साइड पे क्योंकि जो यूरोप का व्यापार है वो तो सारा पश्चिम की तरफ से होना है मुनाफा कमाना चाहते थे और अंग्रेजों की बात नहीं है। ये सारे कारण बाकी रीजनल पावर जैसे कि हैदराबाद मराठास एंड इवन कर्नाटक इनकी भी नजरें रहती थी इन रीजन की वजह से ऑन माइसोर ठीक है बिल्कुल सही बताया लोकेश्वर प्रणय मीशु सब सही बता रहे हो ठीक है तो यहां पर इन स की वजह से माइसोर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बनी हुई है अब जब राजा पपेट बन गया तो एक वैक्यूम पावर वैक्यूम कहीं ना कहीं इमर्ज होना शुरू हो जाता है जब भी पावर वैक्यूम आता है ठीक है, तो एक इंटरनली किंगडम में से कोई निकलता है एक हीरो और वो पावर ग्रैप कर सकता है उस पावर वैक्यूम को भर सकता है ठीक है यहां पर क्या होता है कि एक बहुत ही आम सोल्जर हैदर अली इमर्ज होता है एज द लीडर हैदर अली बेसिकली एक बहुत ही छोटे रैंक के ऑफिसर्स के साथ ठीक है छोटे रैंक के ऑफिसर थे मैसूर की आर्मी में वुडियार डायनेस्टी की आर्मी में वहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इनका अगर पूर्वजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ खास पता नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही साधारण व्यक्ति थे ये ठीक है इनका खानदान भी पहले इनसे पहले तक काफी ज्यादा साधारण था राइट लेकिन अपनी चतुराई की वजह से अपनी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की वजह से ये मैसूर आर्मी में एक अच्छी पोजिशन तक पहुंचते हैं और उसके बाद नंदराज ठीक है नंदराज जो कि बेसिकली सर्वाधिकारी हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वुडियार सरतार के ठीक है वुडियार राजा के उसको डिफीट कर देते हैं और सेवनटीन में अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं मायसूर स्टेट में ठीक है ये यहां पर एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई जहां से अब माइसोर की हिस्ट्री चेंज होगी और उसकी वजह से इंडिया की भी हिस्ट्री चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हैदर अली ने भी मुगल्स के साथ जो अपना रिलेशन बना के रखा वो भी बड़ा चतुराई से इन्होंने भी बड़ा चतुराई से मैनेज किया ठीक है इनको पता था कि मराठास का निजाम का हमेशा खतरा बना रहेगा तो ये मुगल्स की सुजरेनिटी को तब एक्सेप्ट कर लेते थे जब इनको मुगल्स की जरूरत पड़ती थी और जब इनको जरूरत नहीं पड़ती थी तब कहते थे आप कौन हम कौन ठीक है ट्रिब्यूट भेजने में जो एनुअल ट्रिब्यूट भेजना होता है उसमें इेगुलैरिटी भी रहती थी ठीक है तो काफी हद तक ये काफी हद तक ये इंडिपेंडेंटली मैसूर को एडमिनिस्टर कर रहे हैं अब हमने हैदर अली के ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझना है हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से राजा बनने के बाद मैसूर का कंट्रोल लेने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपैंड किया नेबरिंग स्टेट्स के साथ इनके कैसे संबंध थे और मिलिटेरियली मैसूर की क्या पॉलिसी थी सबसे इंपॉर्टेंट मैसूर को जब भी पढ़ोगे फॉर यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज माइसोर की जो मिलिट्री पॉलिसी थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये प्रिलम्स और मेन्स दोनों के लिए ही रेलिवेंट है तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर ओवरऑल आप यूपीएससी की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी आई क्योंकि पीटू वाई बैच से आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है इस बैच में बुक्स Prelims का क्रैश कोर्स मेंस का क्रैश कोर्स कोस और आंसर इवेलुएशन जैसे फीचर्स मौजूद हैं और एक बार इस बैच में एनरोल करने पर आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट right? तो बेसिकली इसमें एक बार एनरोल कर लिया तो टेस्ट सीरीज से लेकर कोर्स से लेकर ले ले सब सारी चीजें जो भी आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो यहां पर मुहैया करवाई जाएंगी राइट right? सो so, यहां पे इसके जो न्यू बैचेस हैं याद रखिए वो कब शुरू हो रहे हैं ट्वेंटी जुलाई को कब है ट्वेंटी जुलाई दो दिन रह गए आज ट्वेंटी थोड़ी देर में ट्वेंटी सेकेंड जुलाई के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं राइट तो इसमें टाइमली एनरोल कर लो ताकि डे वन से क्लासेस के साथ आप बने रहो क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर तीन चार क्लासेस मिस हो जाए हमारी uh, तो वहां पर हम थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं वो कनेक्ट नहीं बन पाता तो इसके साथ टाइमली आप कनेक्ट कर लीजिए ठीक है तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको करना क्या है आप अपना डेस्क टॉप खोल सकते हैं वहां पे स्टडी आई क्योंकि वेबसाइट पर आपको जाना है वेबसाइट पर जाकर यूपीएससी लाइव में आप कोर्सेज को खोलेंगे यहां पर पी टू आई का बैच आपको मिल जाएगा ठीक है इस बैच को खोलने पर आ, इसके फीचर्स आप चाहें तो वो आप देख सकते हैं और सीधा आपको क्लिक करना है बाय नाउ बाय नाउ पर देखो इसकी वैल्यू फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज है लेकिन यहां पर आप अगर कोड लगाएंगे बेसिकली जो है सी एस एल आई इस कोड को लगाने से आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा बेसिकली फिफ्टीन थाउजेंड का ऑफ मिल गया आपको तो रुपीस में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप टाइमली एनरोल करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से पूरी हिस्ट्री का अध्ययन हम इस कोर्स के अंदर आपके साथ जरूर करेंगे ठीक है इसके फीचर्स हैं जिनको आप पीडीएफ से भी जान सकते हैं कोई और कोई एरिया है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं राइट right. इसी के साथ स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं इनमें से सवाल आ जाते हैं यूपी बिहार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है और शाम छह बजे का यह बैच रहने वाला है टाइम करें और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सीएस लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हैदर अली पर वापस आते हैं हैदर अली बेसिकली एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी के व्यक्ति थे ठीक है ये अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे एक्सपेंशन में इन्होंने समझ लिया इस बात को कि मालाबार आप सभी को पता है मालाबार हमारी कौन सी कोस्ट लाइन आज की कौन सी कोस्ट लाइन को मालाबार कोस्ट लाइन कहा जाता है वेस्टर्न कोस्ट लाइन ठीक है वेस्ट में जो मालाबार कोस्ट लाइन है कर्नाटका केरला के कुछ हिस्से उस कोस्ट लाइन के साथ बेसिकली शेयर होते हैं राइट तो वहां पर ठीक है वहां पर उसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी वो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ब्रिटिश के लिए भी उतनी जरूरी थी और हैदर अली ने भी इस इस को समझ लिया था, था और इस significance, इसका सबसे बड़ा जो आ, use था ना, वो ये था कि कि के ऊपर कोई कर सकता है, राइट? Political science में हम एक बात करते हैं कि वो इंसान जो यूरेशिया की रिम लाइन को कंट्रोल करता है ना यूरेशिया की लाइन कौन सी है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट ईरान से शुरू होते होते गुजरात की कोस्ट लाइन इंडियन ये इंडियन पेनिनसुला ठीक है और फिर म्यांमार की तरफ से जाते जाते ईस्ट की तरफ ये यूरेशियन है राइट right. अगर इसको कोई कंट्रोल कर लेता है तो वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो यहीं से ही गुजरेगा right. तो इस से इनके लिए था। और सवाल भी बन सकता है ठीक है क्या सवाल बन सकता है कि जमींदारों को पोलीगर्स बेसिकली क्या थे पोलिगर्स जमींदारों को कहा जाता है जो जमींदार यहां पर रिबिलियन कर रहे थे हैदर अली ने उनको डिफीट करके राइट मालाबार रीजन पर अपना कंट्रोल किया और यहां से इनके ऊपर इंडियन ओशन के जो तो ट्रेड चल रहा है उसका भी कंट्रोल आया और इस वजह से भी ब्रिटिश इनको डिफीट करना चाहते थे डिटेल में इस डिफीट की कहानी और कैसे चार एंग्लो माइसोर वॉर्स हुई उसकी क्या आउटकम थी ये हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में करेंगे ठीक है इसमें पूरी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और ब्रिटिश सुपर का पूरा टॉपिक है जो डिस्कस किया जाएगा इसी के साथ साथ इनके नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो रिलेशन है उसमें क्या है मराठास और निजाम निजाम कहां पर राज कर रहे थे में इन दोनों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था राइट तो ज्यादा टेरिटरीज को एक्वायर करने की एक लालसा में इनके अक्सर मराठास और निजाम के साथ क्लैशेस रहते थे और मराठास में पेशवा माधवराव वन इनके साथ इनके काफी क्लासेस रहे और माधवराव वन ने एक बार तो मैसूर को रेड कर दिया अटैक कर दिया इस पर मैसूर काफी चिंता और काफी ज्यादा दुविधा में भी आ गया था लेकिन पेशवा माधवराव वन का देहांत जब 1772 में हो गया उसके बाद हैदर अली को वापस एक मौका मिला कि जो मराठास कुछ इनकी टेरिटरीज को जीत चुके हैं और इनके किंगडम से स्नैच कर चुके हैं उन टेरिटरीज को ये वापस ले सके ठीक है तो यहां पे हैदर अली वापस इन टेरिटरीज को रिकवर करते हैं राइट अब मिलिट्री पॉलिसी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि कि मैंने आपको बताया भी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसूर की क्या पॉलिसी थी क्योंकि सभी पावर्स में से माना जाता है कि यही इकलौती ऐसी पावर थी ठीक है वैसे तो मराठास भी थे इवन उन्होंने भी अरेंज किया था और ऑर्गेनाइज और की थी अपनी आर्मी को ऑन यूरोपियन लाइंस लेकिन मैसूर के अलग ही चर्चे हैं ठीक है तो यहां पे टीप हैदर अली को बहुत ही क्लियरली ये बात समझ आ गई थी कि ओनली अ मॉडर्न आर्मी कुड बी द बेसिस फॉर अ पावरफुल स्टेट अगर हमने पावरफुल स्टेट को इस्टेब्लिश करने है तो केवल एक मॉडर्न आर्मी की मदद से हम कर सकते हैं वो जमाने गए जब केवल हाथी घोड़े तलवारें और तीर कमान से बात चलती थी अब हमें असला बारूद तोपे रॉकेट्स इनकी जरूरत पड़ेगी और इसी के साथ साथ मॉडर्न आर्मी में सबसे क्रूशल चीज कौन सी है क्या टेक्नोलॉजी से मॉडर्न आर्मी बनती है बताओ वो कौन सी चीज है जो एक आर्मी को मॉडर्नाइज करती है वो कौन सी चीज़ है क्या टेक्नोलॉजी से आर्मी मॉडर्नाइज होती है नो ठीक है नो टेक्नोलॉजी से नहीं होती टेक्नोलॉजी से नहीं होती टेक्नोलॉजी से नहीं ऑर्गेनाइजेशन से मिलिट्री को एक स्ट्रक्चर में हरारकी में अरेंज करने से एक आर्मी मॉडर्नाइज होती है ठीक है एक चेन ऑफ कमांड जब प्रॉपरली चलता है ना तो उसके बाद आप टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग कर सकते हैं सिर्फ किसी को बंदूकें दे दो मॉडर्नाइज नहीं हो पाएंगे अगर ऐसी बात होती ठीक है ऐसे बात होती फिर तो क्या ही कहना था है <laughs> ना तो यहां पर चेन ऑफ कमांड बिल्कुल सही लोकेश्वर लीडरशिप आपने कहा है तो चेन ऑफ कमांड एक बात है ठीक है चेन ऑफ कमांड की बात की जा रही है यहां पर ठीक है इसी के साथ इस मॉडर्नि मॉडर्नाइजेशन को आर्मी में लाने के लिए इन्होंने फ्रेंच का सहारा लिया राइट फ्रेंच की मदद से इन्होंने डिंडीगुल डिंडीगुल आज के समय पर अगर आप नक्शा देखोगे ना तो डिंडीगुल तमिलनाडु के पास पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है डिंडीगुल ठीक है डिंडीगुल नाम की एक जगह पर इन्होंने एक आरसेनल स्टैब्लिश किया जो कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्री थी राइट तो यहां से ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं इसी के साथ साथ काफी ज्यादा इनमें डिसिप्लिन भी था यूरोपियन लाइंस में राइट पूरी मॉक ड्रिल्स भी इनकी होती थी तो उससे एक पावरफुल आर्मी बनाने की इन्होंने कोशिश की और क्योंकि फ्रेंच का सहारा ले रहे हैं फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस इनके थे कॉन्सिक्वेंटली अगर फ्रांस के साथ किसी के अच्छे रिलेशंस हैं तो ब्रिटिश क्या करेगा उनको दोस्त बनाना पसंद करेगा या दुश्मन अगर फ्रांस के वो एलाइज हैं तो ब्रिटिश क्या करेगा दोस्त बनाएगा दुश्मन वो दुश्मन बनाने की कोशिश करेगा ठीक है ही विल ट्राई द ब्रिटिश विल ट्राई कि वो एनिमी बने ठीक है अब यहां पर जो इनकी आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है नोट कर लो इस टर्म को ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा काम आने वाली है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं रिसाला सिस्टम रिसाला सिस्टम बेसिकली हैदर अली ने स्टार्ट किया था, था अपनी आर्मी को और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए ठीक है तो मिलिट्री में ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो सबसे पहली चीज के रिसाला सिस्टम किस चीज के साथ एसोसिएटेड है ये मिलिट्री के साथ एसोसिएटेड है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि एक रिसाला बनता रिसाला ना आज की डेट में आप समझ सकते हो ना बटालियन होती है तो बटालियन इज इक्वल टू रसाला उस समय पर बटालियन को रसाला कहते थे हर एक रिसाला में फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप होंगे फिक्स नंबर ऑफ घुड़सवार होंगे और फिक्स नंबर ऑफ एम्य होंगी ठीक है तो ऐसे आर्मी को अरेंज करके क्या करते थे ये ऑर्गेनाइज बेटर तरीके से कर पाते थे और यूज अच्छे से कर लेते थे ठीक है और मिलिट्री कमांडर्स जो हैं इन ट्रूप्स के वो कौन अपॉइंट कर रहे हैं हैदर अली खुद कर रहे हैं ठीक है कि जो सबसे एबल कमांडर बनेगा वही इन रिसालास को कमांड करेगा ठीक है तो ये बटालियंस थी ठीक है अगर कोई एमसीक्यू आ गया ना तो वहां पर रिसाला जो है इट इज सिमिलर टू वी नो एज बटालियन टूडे राइट भूलोगे तो नहीं है नोट करके रखना इट्स इंपॉर्टेंट रिसाला इन बटालियन इट इज सेम अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंड एंग्लो माइसूर वॉर के समय पर हैदर अली की डेथ हो जाती है ठीक है क्वेश्चन फॉर यू क्या हैदर अली लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाते हैं क्या हैदर अली लड़ाई में शहीद हुए थे The answer is no. इनकी इनकी से हुई थी. एक prolonged illness थी, -like situation थी एक में. तो उस वजह से इनकी डेथ हो जाती है अब टीपू सुल्तान हैदर अली से भी ज्यादा बड़ी डिग्री में ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी के साथ खुद की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को एजर्ट करते हैं ठीक है इसमें ये क्यों कह रहा हूं मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो 1782 में सेकंड एंग्लो सेकेंड वॉर के समय पर हैदर अली की डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान बन जाते हैं पांच साल बाद ये एक टाइटल एज्यूम करते हैं विच इज पातशाह पादशाह एक टाइटल एज्यूम करना बहुत बड़ी बात है ठीक है ये बेसिकली खुद को ही सुप्रीम रूलर मान रहे हैं यानी कि इन्होंने मुगल एम्पर के साथ जो मुगल डायनेस्टी थी उसके साथ जो इनके पिता ने भी थोड़े बहुत संबंध अपनी कन्वीनियंस के लिए बना के रखे थे इन्होंने उनको भी तोड़ दिया जो सिक्के थे वो इन्होंने अपने नाम पर इश्यू करने स्टार्ट कर दिए मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट का कोई रेफरेंस नहीं था ठीक है मुगल एम्पर है इसी के साथ साथ शाह आलम टू बेसिकली उनका राज चल रहा था इस समय के, इस समय समय के उपर, के के ऊपर और बैटल ऑफ बक्सर बाद वैसे ही उनकी पोजीशन काफी ज्यादा डिटेरिट हो गई थी तो इसमें ना एक खुतबा होता है खुतबा क्या होता है कि जो मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर्स होती हैं वहां पर एम्प्रर का नाम लिया जाता था ठीक है वहां पर एम्प्रर का नाम लिया जाता था इन्होंने उनके नाम को हटाकर अपना नाम कहा कि मेरा नाम अब से लिया जाएगा क्योंकि मैं ही सुप्रीम कमांडर हूं राइट और इन्होंने यहां तक कि ऑटोमन एम्पायर से सनद भी हासिल करने की कोशिश की सनद बेसिकली ना एक, एक को कहा जाता है ठीक है आप सब जानते हैं ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ही कर रहे हैं वैसे तो जब हम वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं बेसिकली जब खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं उधर जो ऑटोमन टर्की के खलीफा जो थे उनको स्पिरिचुअल अथॉरिटी माना जाता था सभी मुस्लिम्स द्वारा राइट तो वो क्या है कि अगर वो सनद या एक्नोलमेंट देते हैं तो उधर एक तरीके की ये मान्यता दी जा रही है कि टीपू सुल्तान इस्लाम के नाम पर मैसूर में इनका राज चल रहा है दैट इज इज ही इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर इनके इनके ऊपर ऊपर कोई नहीं अल्लाह है ठीक है अल्लाह के बिहाफ पर मैसूर में ये राज कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुगल्स राज कर रहे हैं उनके अंडर ये हैं ऐसा नहीं है ठीक है तो ये सनद का अटेनमेंट भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी यहां पर इसी के साथ इन्होंने एक नया कैलेंडर भी स्टार्ट किया ठीक है हर कोई रूलर जब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करता है तो वो नया एरा स्टार्ट कर देता है जैसे कि हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं विक्रम ठीक है जी तो ये सारी चीजों की वजह से हम कहते हैं कि टीपू सुल्तान काफी ज्यादा इन्होंने इंडिपेंडेंस अजर्ट की थी अपनी अब टीपू सुल्तान की भी कुछ पॉलिसीज और कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए लेट मी टेल यू कि ये

कहा जाता है कि बाकी के सुल्तान को सबसे ज्यादा रियलाइज हो रहा था कि अंग्रेज भारत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं इसी के चलते इन्होंने जो अपने पिता द्वारा मिलिट्री फोर्स बनाई जा रही थी उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा था इन्होंने उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की फ्रेंच ऑफिसर्स अपॉइंट किए और इसमें एक फ्रांस की की की, रेजिमेंट भी 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 होती थी, ठीक है, फ्रेंच फ्रेंच कोर्स कोर्स पर पर हुआ करते थे, right? भी यहां पर थे। राइट, मौजूद इन्होंने एक मॉडर्न नेवी बनाने की भी कोशिश की जो 1796 में, बेसिकली, बहुत कम समय बचा उस नेवी के लिए कि वो और ज्यादा मॉडर्न होकर अंग्रेजों को टक्कर दे सके क्योंकि 1799 में सुल्तान की हो capital, जिसको भी कहा जाता है ठीक है मिलिट्री के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इकोनॉमिकली इन्होंने रियलाइज किया था कि कोई भी साम्राज्य उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या आप इस बात से एग्री करते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं आज के समय में भारत विश्वगुरु बनने की अपनी इस इच्छा में क्या कर रहा है एक तरफ हम बात करते हैं फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की उसके साथ साथ हम बात करते हैं मिलिट्री डोमिनेंस की डू पीपल रियलाइज कि फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड मिलिट्री डोमिनेंस ठीक है ये दोनों इंटरट्वाइंड है राइट तो टीपू सुल्तान ने भी इस बात को समझ लिया था सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ बोथ आर रिलेटेड अगर कोई देश अगर कोई साम्राज्य इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो उसमें इतनी क्षमता होगी कि वो अपनी मिलिट्री को अपग्रेड कर सके जो उसके सोल्जर्स हैं दे विल बी वेल पेड उनके हथियार मॉडर्नाइज होंगे एक चेन ऑफ कमांड चलेगी और राज्य को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है ठीक है जी तो यहां पर इस बात को रियलाइज किया गया था एंड कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने इनलैंड और फॉरेन ट्रेड दोनों को प्रमोट किया

इनका था तो यहां पर काफी सारी भी बनाई गई और अपने एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कुछ मिशंस भेजे जिनको कहा जाता है एमिसरीज ठीक है ये एम्बेस की तरह होते हैं ये प्रस्ताव लेके जाते हैं ट्रेड का और फ्रांस टर्की ईरान म्यांमार इनके साथ इन्होंने फॉरेन ट्रेड डेवलप किया इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी इन्होंने काम किया और ऐसा कहा जाता है कि माइसोर में कल्चर. बताओ, क्या है? Silk. Silk की की को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है ठीक है हालांकि ये कंट्रोवर्शियल फिगर्स डेफिनेटली रहे हैं लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि टीपू सुल्तान में कई ऐसी बातें थी जिसके वजह से हम ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि अपने समय से काफी आगे थे ही वाज एन एविड लर्नर इनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें कई टॉपिक्स के ऊपर बुक्स थी वेस्टर्न थॉट को ये फॉलो करते थे और उस वेस्टर्न थॉट के चलते काफी लिबरल बेसिकली माइंड में काफी लिबरलिटी को ही यूज्ड टू ही वाज क्वाइट लिबरल इन दैट इन दोस टाइम्स ठीक है जी तो यहां पर इन्होंने ईस्टर्न कंजर्वेटिज्म और एपैथी जो कहा जाता है ईस्टर्न कंजर्वेटिज्म या एपैथी क्या है कि कई साल पहले मिडीविल इंडिया में खासकर हमारी भारत की सोसाइटी भारतीय समाज रूढ़वादी समाज हुआ करता था राइट तो वेस्टर्न था अगर कोई भी रीड करना शुरू करेगा थोड़ा समझना शुरू करेगा तो उसको पता लगेगा कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रिटर्निटी ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली जब ये चीजें समझ लगनी शुरू होंगी तो एक बेहतर सरकार बेहतर स्टेट भी बन सकती है ठीक है जी तो यहां पर इन चीजों की वजह से इन्होंने अपने दिमाग को खोल दिया था फॉर द वेस्टर्न थॉट राइट right. इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर भी अपनी कैपिटल में जो कि श्रीरंगपट्टम थी वहां पे ट्री ऑफ लिबर्टी स्थापित किया अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो बड़ा महंगा है उसने जाना था कहां पे न्यूयॉर्क राइट right. तो इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी स्टैब्लिश किया और जैकोबिन क्लब के मेंबर भी थे और खुद को कहते थे कि मुझे सिटीजन टीपू बोला करो सिटीजन टीपू इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ इसका कनेक्शन है जब पीटूआई में हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे वहां पर भी इसका रेफरेंस में जरूर बताऊंगा ठीक है तो जैकोबिन क्लब के मेंबर ट्री ऑफ लिबर्टी एट पट्टम, ये कुछ चीजें थी जिससे कि फ्रेंच के साथ जो इनके अच्छे रिलेशन है उनका इंडिकेशन मिलता है मुझे एक बात बताओ अभी मोदी जी किसी फॉरिन कंट्री में गए थे यूरोप के है ना राइट फॉरन कंट्री में गए थे बेस्टाइल परेड बेस्टाइल डे परेड बेस्टाइल डे सेलिब्रेशंस को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था इंडिया मिलिट्री कंटिजेंट भी वहां पर उसने भी पार्टिसिपेट किया था अगर मान लो सवाल आ गया डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस ठीक है तो क्या इतनी सी लाइन लिख देना कि इंडिया द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कैन बी ट्रेस बैक टू एज फार एज एटीन सेंचुरी तो आपके मार्क्स थोड़े से एडिशन हो जाएगी वहां पर ठीक है वो पता लग जाएगा कि ये एस्पिरेंट जो है इसका सोचने का दायरा काफी ब्रॉड है ठीक है तो यहां पर आपको एक क्लियर एडवांटेज मिल सकती है राइट right. तो ऐसी चीजें आप अपने आंसर में यूज किया कीजिए राइट right. अब यहां पर बात करते हैं इनके इनके इर्द गिर्द जो कॉन्ट्रोवर्सीज चलती हैं वो अब देखो यार आपने न्यूज पेपर्स में या करंट अफेयर्स के साथ अगर वाकिफ हैं तो वहां पर भी आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान से रिलेटेड काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज एग्जिस्ट करती हैं ठीक है लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस का कहना है कि वो कॉन्ट्रोवर्सीज एक्चुअली इंपीरियलिस्ट प्रोपोगेंडा था कि जो इंपीरियलिस्ट राइटर्स है ना कि जो ब्रिटिश या इंग्लिश राइटर्स हैं उन्होंने दिखाना है कि टीपू सुल्तान इज अ मॉन्स्टर तभी तो वो अपने एक्शन को जस्टिफाई कर पाएंगे इसलिए उन्होंने इसको एक बिगटेड मनाक का नाम दिया जिस बिगटेड का मतलब ये होता है कि जो इनटॉलरेंट है रिलीजियसली इनटॉलरेंट है दूसरे धर्मों के प्रतिमाओं को उनके मंदिरों को तोड़ फोड़ करने में विश्वास रखता है ठीक है लेकिन कई एविडेंसेस को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो वहां से हमें ये पता लगेगा कि इन्होंने अच्छे खासे फंड्स भी एलोकेट किए थे टेंपल रिपेयर और अन्य तरह के टेंपल वर्क्स के लिए इसी के साथ साथ अपनी टेरिटरी में और अपनी कैपिटल में जो मंदिर हुआ करते थे उनके इंटरनल अफेयर्स में कि कुछ खास हस्तक्षेप नहीं किया करते थे राइट right? तो काफी सारे हिस्टोरियंस का ही मानना है कि ये इंपीरियलिस्ट राइटर्स का प्रोपोगेंडा था जिससे कि अपने एक्शंस वो जस्टिफाई करना चाहते थे इन जनरल टीपू सुल्तान मॉडरेटली क्वाइट लिबरल इन इज पॉलिसी एंड अप्रोच और काफी रिलीजियसली टॉलरेंट भी थे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इनको कहा जाता है डिस्पोर्ट

माइनर वुडियार किंग थे उस समय पर वुडियार डायनेस्टी को वापस से इंस्टॉल कर दिया जाता है कि भारत में वुडियार सबसे लंबे समय के लिए इनका शासन रहा था ठीक है बट यस उस पर भी कई सारी डिबेट्स सा आ जाती हैं अक्सर राइट right? अब दोस्तों केरला की कहानी को पढ़ते हैं केरला की कहानी में क्या है कि उस समय जो केरला स्टेट एग्जिस्ट करती थी यहां पर अलग अलग लोकल चीफ्स का राज होता था अगर हम रीजन में डिवाइड करें इन लोकल चीफ्स की टेरिटरी को तो ये चार इंपॉर्टेंट रीजन बनते हैं कैलिकट चिराकल कोचिंग एंड ट्रेविंग कैलिकट में का राज था जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले इंडिया में आया था तो उसने अपनी जहाज जो है वो कैलिकट के बंदरगाह पर डॉक किया था ठीक है और यहां पर जो राजा थे ना जेमोरिन ना ये राजा का नाम नहीं है टाइटल है ठीक है तो राजा को यहां पर क्या कहते थे सिमुदरी सिमुदरी ठीक है सिमुदरी कहा जाता था तो पुर्तगाली आए उन्होंने कहा हांजी जी जी कौन है जी आपके राजा उन्होंने कहा हमारे राजा राजा कोई नहीं बोलता अब वो ठहरे यूरोपियंस उन्होंने कहा कि अच्छा जेमोरिन वो कहते नहीं भाई सिमुदरी कहते हाँ वही कह रहे हैं जेमोरिन कहते नहीं सिमुदरी इन्होंने फिर कहा जेमोरिन इन्होंने कहा कि चलो जो आप कह रहे हो भाई ठीक है आप जेमोरिन कहना चाहते हो जेमोरिन ही बोल लो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये याद रखना आसान हो जाएगा ठीक है और एक और चीज टाइटल ये था कहा उनको ये जाता था ठीक है मन्ना विक्रमा ठीक है मन्ना विक्रमा ठीक है सिमुदिरी मन्ना विक्रमा राइट तो कैलिकट की ये रेलिवेंस है इन सभी चार साम्राज्यों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य था वो था ट्रेवेंकोर ट्रेवेंकोर की कैपिटल्स पद्मनभुपुर और तिरुवनंतपुरम ठीक है इनिशियली पद्मनुपुरम थी और उसके बाद तिरुवनंतपुरम कर दी गई राइट right? और ट्रेवेंकोर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे साउथ मोस्ट स्टेट थी और मुगल्स के साथ इनकी कुछ खास लेना देना इतना था नहीं ठीक है साउथ में वैसे भी आपको पता है कि औरंगजेब ने भी डेक्कन पूरे डेक्कन को कंट्रोल करने के लिए काफी सारी लड़ाइयां करी तो बहुत डीप साउथ में होने की वजह से भी मुगल्स का इतना फर्म कंट्रोल इस रीजन पर वैसे बनना पॉसिबल नहीं था हालांकि मुगल्स तो फिर भी काफी स्ट्रांग थे और हैदर अली भी उस समय पर उसी रीजन में मौजूद थे यहाँ तक कि हैदर अली ने जब सेवनटीन में

कोचिन तक जो लैंड की टेरिटरी थी वो इनके राज के अंदर आती थी राइट एक मॉडर्न आर्मी इन्होंने बना के रखी थी ऑन वेस्टर्न लाइंस और डच साउथ इंडिया में जब अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते थे तो उस समय पर डच को साउथ इंडिया से ठीक है याद रहे केरला के रीजन से डच को डिफीट करने में मारतंट वर्मा की सेना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया राइट अब इसमें यह बात याद रखना

राइट right, इनकी मृत्यु के बाद स्टेट की जो ग्लोरी और जो स्टेट का एक रुतबा था ट्रेवेंकोर का वो धीरे धीरे डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया और अल्टीमेटली सन 1800 में ट्रेवेंकोर ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने यहां एक्सेप्ट कर लिया जिसका इनडायरेक्ट मतलब ये था कि उन्होंने ब्रिटिश सुजरेनिटी मान ली ठीक है खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहते थे अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते थे राइट right? तो उन्होंने ब्रिटिश को सर्वे सर्वा मान लिया अब जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे वहां पर हम सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी करेंगे तो वहां पर अलग अलग राज्य जिन्होंने ब्रिटिश सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया बाय एक्सेप्टिंग अलायंस तो उसमें कोर का क्या इतिहास रहा है उसको वहां पर दोबारा उसकी रेफरेंस आएगी ठीक है वेरी गुड माधुरी वेरी गुड एक्सीलेंट ठीक है बैटल ऑफ बिदर एक्सीलेंट ठीक है डच की बात कर रहे हैं डच की right. राइट डिस की अब बात करते हैं राइट राजपूत राजपूत कॉन्फेडरेसी बेसिकली ट्वेंटी मेजर क्लैंड हुआ करते थे फॉर एग्जाम्पल मारवाड मेवाड़ अंबेर एक्सेट्रा ठीक है ये ट्वेंटी मेजर क्लैंड होते थे और मुगल एम्पर के साथ इनका जो रिलेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो आप मुगल्स के साथ इनके रिलेशन में ऐसा था कि मारवाड़ ठीक है मारवाड़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुगल्स के साथ होता था यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स प्रो मुगल होता था लेकिन राणास राणास ऑफ मेवाड़ ये हमेशा मुगल्स के अगेंस्ट हुआ करते थे राइट तो ये इनका इस प्रकार से काफी लंबे समय के लिए मारवाड़ का साथ मिलता था मुगल साम्राज्य को और मेवाड़ जनरली अगेंस्ट ही रहता था लेकिन औरंगजेब के समय पर औरंगजेब के समय पर पॉलिसी काफी ज्यादा चेंज होनी स्टार्ट हो गई ठीक है औरंगजेब से पहले क्या था कि इनको इंडिपेंडेंटली अपनी जगह पर राज करने दिया जाता था इनके इंटरनल मैटर्स नहीं होता था एनुअल को ठीक पेश पेश है पेश tax, एक होता था, ट्रिब्यूट होता था, इनको पेशकशी जमींदार भी कई बार कह देते हैं ठीक है थीके? तो एनुअल ट्रिब्यूट के जरिए ये अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनोमी बना के रखते थे राइट कई इनमें से राजपूत को हायर मिलिट्री रैंक्स भी मिले जिनकी हिस्ट्री हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी पढ़ी है और मिडीवल हिस्ट्री में तो और भी डिटेल में हम करते हैं राइट right? अब यहां पर जब औरंगजेब का राज स्टार्ट होता है तो यहां पर संबंध डगमगाने शुरू हो जाते हैं डगमगाट होने शुरू हो जाते हैं रिलेशन यहां पर एक चीज होती है कि जहां मारवाड्स हमेशा मुगल्स के जनरली प्रो मुगल्स रहते थे इनके इंटरनल सक्सेशन में सक्सेशन पता ना आपको अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर इनके बीच में आपस में अनबन हो जाती है दरअसल राणा जसवंत ठीक है इनकी डेथ के बाद इनका एक होता है, ये लोग चाहते हैं, चाहते हैं कि अगला बने, लेकिन फेवर करता है इंद्र सिंह नया राणा बने कॉन्सिक्वेंटली इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं और इंद्र सिंह को इसलिए बनाना चाहते थे मारवाड़ का राजा क्योंकि हिस्टोरियंस का ये मानना है कि मारवाड़ एक बड़े ही स्ट्रेटेजिक रूट पर एग्जिस्ट करता था आगरा से अहमदाबाद का जो रूट है तो खतरे में डालने वाली बात हो जाती है दूसरी पावर्स उसको कर सकती है। राइट लेकिन क्योंकि इन्होंने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया तो कई सारे राठौड़ सरदार और मेवाड़ ठीक है मेवाड़ तो वैसे ही इनके अगेंस्ट था तो उनकी असिस्टेंट से राजपूत ने कर दिया अगेंस्ट मुगल्स तो मुगल्स के राजपूत के साथ यहां पर रिलेशन काफी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है इसके बाद हमने देखा लेटर मुगल्स में बहादुर शाह वन आफ्टर सेवन बहादुर शाह वन बिकम्सर इन्होंने क्या किया है ये अटैक करने की कोशिश करते हैं ठीक है ये अटैक करने की कोशिश करते हैं और सेवनटीन हंड्रेड एट में अजीत सिंह ठीक है इनको डिफीट कर दिया जाता है राइट इस डिफीट के बाद अजीत सिंह अजीत सिंह कहां से है मारवाड़ से ठीक है जयसिंह टू जयसिंग टू आम्बेर से और दुर्गादास राठौर ठीक है ये ये मारवाड़ से लोग एक एक कॉन्फेडरेसी बनाते बनाते हैं एक बनाते हैं अलायंस जिसको एंटी मुगल लीग कहा जाता है इस एंटी मुगल लीग का काफी ज्यादा खतरा महसूस होता है मुगल साम्राज्य को और उस समय पर सैयद ब्रदर्स का काफी ज्यादा डोमिनेंस भी थी ये हमने पढ़ा था लेक्चर वन में राइट right. तो हुसैन अली ठीक है हुसैन अली जो है यहां पर हुसैन अली कमांडर इन चीफ बनते हैं अटैक करने की कोशिश करते हैं और यहां पर अजीत सिंह के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं कि वो एक पीस अगर चाहते हैं तो अपनी पुत्री का विवाह एम्पर फारूक शाह के साथ कर दें ठीक है तो मैट्रिमोनियल अलायंस से यहां पर सिचुएशन संभाली जा सकती है राइट लेकिन जब फारूक श्यार और सैयद ब्रदर्स के बीच में डिस्प्यूट बहुत एविडेंट हो जाता है यहां पर राजपूत फिर रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं ये कहते हैं कि वी विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ ऑपरचून अलूफनेस और अडरेंस ठीक है इसका मतलब ये है कि जहां पर हमें मौका मिलेगा हम उस मौके को ग्रैप करके अपनी पावर एजर्ट करेंगे जहां पर हमें अलूफ रहने की बात है कि जहां पर इंटरनल डिस्प्यूट के चलते मुगल्स में इंटरनल डिस्प्यूट है, अगर उनकी वजह से हमें एक डिस्टेंस बना के रखना है तो वो हम डिस्टेंस बना के रखेंगे ठीक है और जहां पर अगर कोई मुगल एम्पर हमारा साथ देता है तो उनके साथ भी हम उनका भी सपोर्ट कर देंगे राइट सो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि uh, सैयद ब्रदर्स अपना फेवर लेने के लिए क्या करते हैं अजीत सिंह को अजमेर और गुजरात की गवर्नरशिप दे देते हैं 1721 तक इनके पास गवर्नर गवर्नरशिप रहती है 1721 में जो एंटी सैयद सैयद होती है ब्रदर्स को बाहर खदेड़ने के लिए एक दूसरी नोबिलिटी जो काम करती है मुगल साम्राज्य में वो जय सिंह टू को ठीक है जय सिंह टू जो आंबेर या जयपुर की सल्तनत इनके पास है उनको आगरा का गवर्नर बना देते हैं राइट और उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं राइट right? और सरकार आ, सूरत के कई सारे रीजन जो हैं वो इनके पास आ जाते हैं जहां से काफी सारा रेवेन्यू भी इनको मिलता है तो एटीन सेंचुरी यानी कि सेकेंड हाफ में क्या होता है कि राजपूत के बहुत बड़ा एक टेरिटरी इनके पास आ जाती है कहा जाता है नाइन हंड्रेड किलोमीटर्स साउथ ऑफ डेली पूरी वेस्ट कोस्ट ऑफ सूरत तक इनके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य एक बहुत बड़ी टेरिटरी इनके पास आ जाती है राइट right? लेकिन राजपूत की इनएबिलिटी टू कंसोलिडेट देयर पोजिशन This makes them to as well. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी यहां पर एक पॉज लेने की अब हमें जरूरत है राइट तो अगले सेशन में अगले सेशन में ठीक है आज के सेशन को यहां पर हमें खत्म करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे राजपूत को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ठीक है राजपूत को एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज करेंगे और यहां पर सवाई इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है और इनके ऊपर कई बार सवाल आ जाते हैं आप में से कई एस्पिरेंट्स राजस्थान का भी पेपर देंगे स्टेट सिविल्स का तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है तो इनको डिस्कस करेंगे ठीक है फिर ये जितने इंडिपेंडेंट है इनकी क्रिटिकल uh, एनालिसिस करेंगे फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को स्टार्ट करने से पहले एक मेन्स का आंसर ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन्स यहां पर ट्राई करेंगे राइट तो आज के सेशन में इतना ही अगले सेशन में दोबारा मिलूंगा राइट right? और भी बेहतर तरीके से यहां पर आपके सामने ये सारी चर्चा की जाएगी उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको चीजें समझ आई आपने एंजॉय किया और हिस्ट्री जो कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है थोड़ा बोरिंग भी कई बार लगता है उसको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपके साथ कवर किया गया राइट right? अब अगेन अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना दिस इज ठीक है ये ये चंदन लर्निंग चंदन लर्निंग सर्च करना है आपने टेलीग्राम पे विदाउट स्पेस आप रीच कर जाएंगे टेलीग्राम पे जिम में समाइम दिस पी डी विल बी अपलोडेड ऑन दैट चैनल सो टिल देन अपनी तैयारी जारी रखना राइट एंड पी टू आई में जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो यूज करेंगे कोड सी एल सी एस लाइफ ठीक है सी एस लाइफ इज द कोड दैट यू हैव टू यूज सो दैट्स ऑल फॉर टुडे विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच